मेरा दिशान मेरा स्वीट टू। सो चलिए आज के ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। सो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 11:30 बज चुके हैं। किचन में जाऊंगी लंच प्रिपेयर करने के लिए। दिशान ने ओनली मिल्क पिया था मॉर्निंग में, 8:00 वेकअप किया था। देन फिर हम लोग 9:00 चले गए थे हॉस्पिटल के लिए। वही मेरी प्रॉब्लम अभी, क्या संडे को गए थे तो संडे को हुआ नहीं था वो टेस्ट। आज हुआ था ब्रेथ टेस्ट ओनली संडे, या वेडनेसडे को हो रहा है तो आज हुआ था ब्रेथ टेस्ट, इसलिए ओनली मम्मा को हुआ था और पापा को नहीं हुआ था पेन। यस बाबू। सो अभी लंच का टाइम हो गया, आने के बाद मैं बस जल्दी से क्लीनिंग किया, वॉथिंग लिया दिशान मम्मा ने, एंड अभी जाते हैं किचन में दिशान मम्मा प्रिपेयर करने फूड। देखते हैं आज क्या बनेगा। आज एकादशी भी है तो आज राइस तो बनते नहीं है हमारे यहाँ पे, तो आज राइस नहीं खाएंगे, सब्जी रोटी राइस यही बनाएंगे। एंड बोलो बोलो। सो चलिए लंच प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं आज क्या बनाते हैं फूड में। एंड ये देखिए कुछ नहीं, बस नहाने के बाद मैं थोड़ा सा फेस पे क्रीम वगैरह लगाई, मॉइस्चराइजर क्रीम जो होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ड्राई है। क्योंकि अगर आप इतनी गर्मी हो रही है फिर भी आप कुछ नहीं लगा रहे फेस पे, तो वो ड्राइनेस फील होता है मुझे तो। सो लगा लिया है मैंने मॉइस्चराइजर, एंड बंद बना लेती हूँ गर्मी की वजह से, किचन में काम करना होता है और फिर ओपन एयर होते हैं तो दिशान भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, खींचता रहता पकड़ के, इसलिए मैं बंद लगा के रखती हूँ। सो चलिए चलते हैं किचन में। सो मैंने यहाँ पे रख दी है सब्जी बनने के लिए, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ मैं आज। सब्जी बन रही है, तब तक आटा भी लगा के रख देती हूँ, फिर सिर्फ रोटी बनाना बाकी रह जाएगा। अब भी आएंगे तब तक रायता भी रेडी कर दूंगी उनके लिए। यहाँ पे आटा लग रहा है, दिशान की मस्ती देखिए क्या क्या करता रहता है वो स्लिप पे चढ़ के मेरे साथ में। डर भी लगा रहता है बट वो मानता भी नहीं। अभी देखो शुगर निकाल के बैठा हुआ है, शुगर खाना है उसे, क्या क्या करता है ये। अभी क्या, स्कूल जाना तो बंद हो गया, जाना स्टार्ट ही किया था इस साल उसने स्कूल, बट फिर 3-4 दिन ही जा पाया था, उसके बाद में ही कोरोना की वजह से सब क्लोज हो गया। अभी यही चलता रहता है घर में, कभी मैं थोड़ा बहुत उसको पढ़ाने के लिए बिठा भी लेती हूँ, पढ़ लेता है मेरे साथ में। एंड आटा लग गया है, सब्जी अभी बन रही है। यहाँ पे मैं दिशान के लिए मैंगो मिल्क बना रही हूँ, उसको ये मिल्क शेक दे दूँगी पीने के लिए अभी, एंड मैं खाऊँगी जो ब्रेड टोस्ट बनाया था मैंने मॉर्निंग में अभी के लिए, वही था बैटर बाकी बचा हुआ, तो वो अभी भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। अभी किचन में से आ गई हूँ, सब्जी बनाने के लिए रख दिया, सब्जी बन रही है भिंडी की, एंड आटा लगा के रख दिया है मैंने, एंड अभी लेके आई हूँ ब्रेड टोस्ट बनाया था मॉर्निंग में हब्बी के लिए, तो वो खा के चले गए थे ऑफिस। अभी वही बैटर भी बच गया था तो एक चीला बना लिया था, एंड वो थोड़ा सा ब्रेड टोस्ट है वो खाऊंगी, एंड दिशान को दिया है बना के दिशान का मैंगो मिल्क, दिशान मैंगो मिल्क पी रहे हैं, एंड मम्मा ये टोस्ट मिल्क खाएगी। तो चलिए ये खा लेते हैं दिशान और मम्मा, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी ने अपना लंच कर लिया है फिनिश, वो रेस्ट कर रहे हैं लंच करने के बाद, एंड मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। आप भी आ जाइए मेरे साथ में। सुना अभी बस खेलने लग रहा है दिशान को, मैंने परांठा खिला दिया था, दिशान ने परांठा खा लिया था अभी, एंड अभी चले गए ऑफिस के लिए। 3 बजने वाले हैं, नहीं 3:15 हो रही हैं, तो अभी जाऊंगी बस इसको सुला दूंगी, दूध इसका ठंडा हो रहा है, मिल्क ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने, तो अभी मिल्क ठंडा हो जाएगा मैं इसको सुला दूंगी, सो जाएगा। 1 आवर के लिए इस टाइम सुला देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में ओके मेकअप हो जाता है तो थोड़ा। ओके 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 ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।
हे फ्रेंड्स, सो अभी बज चुके हैं 4:10 हो रहे हैं। एंड वो देखिए, देसान बाबू को सुला दिया है मैंने, देसान सो गया है। एंड मैं आई हूँ वॉशरूम में, अभी वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती हूँ। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं धुलने के लिए इसमें, सो कपड़े धुल जाएंगे। एंड थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किचन में, फिर शाम को ही मिलेंगे अभी हम। वैसे भी शाम तो हो ही गई है, 5 बजे आई थिंक। तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बस 5-10 मिनट का काम है किचन में, वो फिनिश करके मैं भी निशान के साथ थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। फिर इवनिंग में बनाऊँगी कुछ खाने के लिए, सभी सेवन कर देती हूँ इसमें, सब डाल देती हूँ। तो ये देखिए, इवनिंग का टाइम हो गया है। और जब मैं बोल रही थी ना मैं किचन में जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रही थी, तो वही बनाया था मैंने। एंड यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस मार्केट से मंगाया था, अब भी चीज़ लेके आना भूल गए थे, मोजरेला चीज़ जो है वो। सो मैंने घर पे ही बनाया था वो चीज़ पनीर को। सो उसके स्लाइस ले रही हूँ एंड उसको थोड़ा ग्रेट करके डाला है, देखती हूँ कैसा बनेगा। ओवन तो मेरे पास में है नहीं है, मैंने परचेज नहीं किया यहाँ पे। एंड देखती हूँ कढ़ाई में, मैंने कई वीडियोज़ में देखा है कढ़ाई में भी बन जाता है, तो ट्राई करती हूँ एंड आपके साथ शेयर करती हूँ क्या रिजल्ट आता है इसका। सो देखते हैं, चलिए। फिर देखिए, कढ़ाई मैंने भारी तले वाली कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई है ये। एंड इसमें सॉल्ट डाला है मैंने बेक करने के लिए इसको, एंड एक बॉल रखा है उसमें, उस पर रख दिया है मैंने इस प्लेट को, पिज़्ज़ा प्लेट को। एंड इसे कवर कर दूंगी मैं, एंड 20 मिनट नहीं, मैंने इसे 30-40 मिनट तक पकाया है। के बज चुके हैं 6:30 एंड ये देखिए पिज़्ज़ा बनने के लिए रख दिया है मैंने। एंड दिशान का वेकअप हो गया, आधा घंटा हो गया दिशान को भी जगे हुए। सो अभी इस रूम में आ गए हैं दिशान एंड वेट कर रहे हैं अपनी हॉट टी का, उनके लिए हॉट टी प्रिपेयर करूंगी अभी। एंड अभी पिज्जा भी रेडी हो रहा है। सो अभी भी नहीं आए हैं, आज तो लेट हो गए, हॉस्पिटल गए होंगे वो मेरी रिपोर्ट लेने के लिए। एंड मेडिसिन जो भी डॉक्टर देंगे वो भी अभी मिलेगी रिपोर्ट देखने के बाद में, सो इसलिए लेट हो रहे हैं वो आने में। सो ये देखिए बाबू जी। तो अभी मैं फिर से जाऊंगी किचन में, तब तक दिशान टीवी देखेंगे। न्यू फोन देखना है? ओके, न्यू फोन में दिशान देखेंगे फुट वीडियो, फुट आंटी का फुट। सो मैं उसके लिए वो चला के दे देती हूँ एंड मैं जाती हूँ किचन में, हॉट टी प्रिपेयर कर लेती हूँ एंड अभी के लिए फ्रूट्स कट कर देती हूँ। सो ये देखिए कुछ ऐसा बना है, बाकी तो सब कुछ पक गया था, पनीर में नहीं हुआ था, बस जैसे मोजरेला जो चीज़ आता है वो हो जाता है, वैसे ये नहीं हुआ था। आई थिंक पता नहीं कढ़ाई में होता भी है या नहीं, बट टाउन साइड से बहुत ज़्यादा क्रंची था एंड खाने में भी टेस्टी लग रहा था, मैंने ही खाया है। सो हब्बी ने नहीं खाया था पिज्ज़ा, उन्होंने बस थोड़ा सा चेक किया था, वो उनको पसंद नहीं है फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा। सो मैंने ही खाया था एंड उनके लिए मैंने यहाँ मूंग की दाल बनाई है, उसके साथ मैं रोटियाँ बना रही हूँ डिनर में। सो अभी ये कर लेंगे। एंड आज वो मिल्क लेके आना भूल गए, मैंने बोला था बट उनको याद नहीं रहा मिल्क के लिए। सो अभी मार्केट जाएंगे मिल्क लेने के लिए, तो दिशान और मम्मा भी चले जाएंगे साथ में बैठ के, कार में बैठे रहेंगे वहाँ तक। सो अभी मैं जल्दी से किचन क्लीन कर देती हूँ रोटी बना के। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है अल्फरदान मोटर्स वाली, इसके बैक साइड में ही है हमारी जो बिल्डिंग है हम रहते हैं। एंड ये देखिए फरारी का शोरूम, मैजरति का शोरूम, ये वाले शोरूम हैं। इसमें कहते हैं ना, घर के पास में जो चीज़ होती है वो कभी नहीं देख पाता इंसान, दूर वाले देख लेता है। इंडिया में तो इन कारों के दर्शन भी नहीं होते छोटे शहरों में, फरारी यहाँ तो कोई वो वैल्यू नहीं है, फरारी लम्बोर्गिनी वहीं घूमते रहते हैं। एंड मिल्क ले लिया है इस मार्केट से, अब वापस जा रहे हैं हम घर। तो बाहर से आने के बाद मैं अच्छे से वॉश कर लिया बॉटल वगैरह, हैंड वॉश करने के बाद मिल्क ऑट होने रखा, ये अभी के लिए हो रहा है हल्दी वाला। एंड ये दिशान के लिए कर रही हूँ। एंड ये देखिए अभी बॉटल को फ्रिज में थोड़ी देर में रखूँगी, बाहर ही रख रखी है मैंने। एंड कैंडी लाए थे दिशान के लिए मार्केट से। सो अभी जब तक मिल्क हॉट हो रहा है तब तक मैं यहाँ क्लोथ्स डाल देती हूँ ड्राई होने के लिए, वॉश हो गए हैं क्लोथ्स, अभी नाइट में ही डालती हूँ, मॉर्निंग में इनको जल्दी से
हटा लेती हूँ यहाँ से। पहले इनसाइड में ही मैं स्टैंड पे डालती थी, बट क्या सारा अंदर ऐसा चिपचिपा सा रहता था, इसलिए यही जगह जहाँ एयर आती है बस घर पे। सो ये देखिए क्लॉथ सारे डाल दिए हैं मैंने ड्राई होने के लिए, एंड मिल्क भी हॉट हो गया है। एंड ये जो जाली से लगा हुआ है इसी में से फ्रेश एयर आता है, किचन की साइड में है ये जगह, तो यहीं पे रख रखा है मैंने ये क्लॉथ ड्रायर को, क्योंकि रूम में स्पेस तो है, रख भी लो, बट लास्ट टाइम पहले रूम में ही रखती थी मैं, तो बहुत ज़्यादा ही स्टिकी होने लगता था। एंड जो कबर्ड है अलमारी वो पूरी ख़राब हो गई थी इसकी वजह से, इसलिए वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया इसका। सो अभी को मिल्क दिया है पीने के लिए, निशान के लिए कूल होने के लिए रख दिया है। एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल, हेयर मसाज करूँगी मैं, बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल में करी लीव्स को डाल के अच्छे से भून लिया है। इस ऑयल से मैं अपने हेयर को मसाज दे दूँगी। तो यहाँ मैं हेयर्स में ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से अपने फिंगर की टिप की हेल्प से। एंड अभी दिसान को मैं सुला के आ गई हूँ, दिसान ने आज बहुत टाइम लिया है सोने में, क्योंकि डे टाइम में सो लेता है तो नाइट में थोड़ा लेट ही हो जाता है। सो अभी मसाज कर लेती हूँ। अभी नाइट का टाइम हो गया है, 12:30 बजने वाले हैं नाइट के। एंड किचन में रख गई थी ऑयल अभी हॉट करने के बाद में, फिर दिसान को सुलाने चली गई थी। दिसान ने सोने में टाइम लगा दिया 1 आवर से ज़्यादा, तभी 10:30 बज रहे थे, फिर वो सोया है 11:30 बजे तक। फिर उसके बाद में आई हूँ मैं, थोड़ा किचन में एक आध बर्तन रह गया था उसको क्लीन करके डिश वॉश करके, एंड फिर ऑयल लगाया है अभी। कल हेयर वॉश करूँगी इसलिए भी लगा लिया, बहुत दिन हो गए मसाज नहीं लिया, तो कभी कभी पैम्पर करना अपने आप को भी बहुत ज़रूरी है। सो बस वही किया है, थोड़ा सा अपनी हेड मसाज करके, कोई है भी नहीं है मसाज देने वाला, तो सारा काम अपने आप से ही करना पड़ता है। एंड अभी बहुत टाइम हो गया, 12:30 बज गए, मैं अभी जाके सो जाऊँगी, नींद आ रही है मुझे भी। सुबह अभी कब हो जाता है 7 o'clock, तो वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाता है सोने के लिए। तो सो लेता है, इवनिंग टाइम है हम सो नहीं पाते। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू।